वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स का उनके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली रेसिपीज चाहते हैं ना, जो घर के इंग्रेडिएंट से फटाफट बन जाए, बनाने में बहुत इजी हो, कम टाइम लें, तो बस आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो आज ईद है और ईद के ऊपर हम बनाने जा रहे हैं शीर खुरमा, क्योंकि उसके बिना तो हमारी ईद पूरी नहीं होती। तो उसको मैं बना रही हूँ और बहुत इजी तरीके से बना रही हूँ। और जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं, अगर वो आपके पास ना हो तो उसके ऑप्शंस भी मैं आपको दूंगी, तो एंड तक इस वीडियो को फॉलो कीजिए। तो यहाँ मैंने क्या किया, एक पैन ले लिया है, थोड़ा फैला हुआ पैन लीजिए या कोई कढ़ाई ले लीजिए और उसके अंदर 1.25 लीटर आप दूध डाल दीजिए। और यहाँ दूध डाल के हम इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। और इधर मैंने आधा कप दूध जो है एक कटोरी में डाल दिया था, जिसमें मैंने मिल्क पाउडर लिया हुआ है। कोई भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं और बहुत अच्छे से इनको मिक्स कर लीजिए कि बिल्कुल लम फ्री हो जाए। तो बस इधर ये हो गया और इधर हमने एक पैन रख लिया और पैन में मैंने डाल लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। आपकी मर्ज़ी है, आप जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं आप वो डालिए। तो यहाँ मैंने डेट्स ले लिए हैं, यहाँ मैंने मखाने लिए हैं, गोला लिया है, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और सबसे पहले हम पैन के अंदर फ्राई कर लेंगे मखानों को। तो 3 से 4 मिनट पर मीडियम से लो के ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे और जब इनका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इनको निकाल के रख लेंगे। और अब हम डाल देंगे बाकी के ड्राई फ्रूट्स, इनको भी फ्राई कर लेंगे, गोल्डन फ्राई करेंगे इनको। और अभी मैंने किशमिश और कोकोनट नहीं डाला है, जब ये ऑलमोस्ट होने वाले होंगे तब हम डालेंगे, नहीं तो क्या होगा, किशमिश और कोकोनट जो है वो जलने का डर रहता है। तो देखिए बस ये भी अच्छे से हमारे फ्राई हो गए, इनको भी हम निकाल लेते हैं। और यहाँ दूध उबलते हुए काफ़ी टाइम हो गया, 10-12 मिनट हो चुके हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, चलाते रहेंगे और इसकी जो साइड्स हैं उनको स्क्रेप डाउन करते रहेंगे। और यहाँ मैंने डाल दिया इसके अंदर थोड़ा सा केसर, जिसे मैंने गर्म दूध में भिगा के रखा था। अगर आपके पास केसर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके अंदर येलो कलर डाल सकते हैं, और वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, ना डालिए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर केसर डालने से थोड़ा सा रिचनेस आ जाती है, तो इसलिए मैंने उसके अंदर डाल दिया है। और अब हमने डाल दिया इसके अंदर थोड़ी सी इलायची, इलायची का पाउडर मैंने डाल दिया है 1/2 चम्मच के करीब, तो वो डालिए। और अब मैंने जो दूध को मिक्स करके रखा था मिल्क पाउडर के साथ, वो हम डाल देंगे। अच्छे से इसको चलाएंगे कि नीचे ये लगे नहीं, क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि थोड़ा सा ना इसका नीचे लगने का डर रहता है। तो इसको छोड़िएगा, अनअटेंडेड मत छोड़िएगा, इसको चलाते रहिएगा, स्क्रेप्स करते जाइएगा इसके कॉर्नर्स, जिससे कि जो दूध है वो साइड में चिपके नहीं। तो इससे क्या होता है, ये जो मलाई होती है ना, इससे रिचनेस आती है। और क्योंकि हम शीर खुरमा बनाने स्टाइल में अपने बड़े शाही, तो इसके अंदर हमने डाल दिया है 1/2 कप भर के क्रीम। तो मैं वही कह रही थी, अगर आप कंडेंस मिल्क डालेंगे तो आप क्रीम भी ना डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर यहाँ हमने कंडेंस मिल्क का यूज़ नहीं किया है, तो आप क्रीम ना डालें, आपके पास मलाई हो आप वो भी डाल सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर 1 चम्मच भर के हमने डाल दिया है असली घी। जब भी आप कोई मीठी सेवियाँ बनाएं या कोई मीठी चीज़ बनाएं तो घी में बनाइए, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और यहाँ हम डाल देंगे सेवैयाँ, और सेवैयों को हम क्या करेंगे, 3 से 4 मिनट तक इसको भूनेंगे, लो हीट के ऊपर भूनेंगे कि इनका कलर जो है वो अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाए। अगर आप फ्राइड वाली भी लेते हैं ना, रोस्टेड वाली भी लेते हैं, तब भी थोड़ा सा उसको भून लीजिए, तो उसकी अरोमा बहुत अच्छी होती है और बहुत बढ़िया बन जाता है वो। तो 4 से 5 मिनट तक आप इसको भूनिए और इसका कलर चेंज हो गया है। इधर जो दूध हमने उबलने रखा था वो भी उबलते हुए 15 से 20 मिनट के करीब हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, सेवई डाल देंगे, और बस इसको डाल के इस पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। तो ये फ्राइड जितनी भी सेवैयाँ हैं ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर बारीक सेवैयाँ का यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। और अगर आपको बारीक की सेवैयाँ नहीं मिल रही हैं और वो मोटी वाली सेवैयाँ हैं, तो उसको भी थोड़ा सा तोड़ कर डाल दीजिए। थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आता है, बट बनती वो भी बहुत अच्छी हैं। तो बस ऐसे करके हम इसको चलाते रहेंगे और सिम पर बिल्कुल लो हीट के ऊपर इसको जो है हम पकाते रहेंगे। पर इसे चलाना बहुत ज़रूरी है। और देखिए इसी टाइम मैं इसके अंदर 1/2 कप चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, और अगर आपने कंडेंस मिल्क का यूज़ किया है तो चीनी बहुत ध्यान से डालिए, फिर कम डालिएगा, ठीक है। और यहाँ हमने जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे ना, उसमें से 1/2 से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हम इसके अंदर डाल देंगे, और बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो उनको हम बचा कर रख लेंगे। तो देखिए बस अब इसको थोड़ी देर और पकने देते हैं कि थोड़ा सा थिक हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा थिक करना है, बहुत ज़्यादा थिक मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि सेवियाँ जो हैं एक बार जब ठंडी हो जाती हैं तो फिर दोबारा से वो थिक हो जाती हैं। तो इस वजह से जो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए ना, उससे थोड़ा कम पर ही रखिए, क्योंकि एक स्टेज के ऊपर आकर वो क्या होगा,
थिक अपने आप हो जाएगा, जब वो ठंडा होगा तो वो थिक हो जाएगा। तो बस 10 से 20 मिनट तक ये पकाएंगे आप इसको, और देखिए कितना बढ़िया ये बनके चले तैयार हो गया है। यही कंसिस्टेंसी है जो हमारे को इसकी चाहिए। अभी आप देखेंगे इसमें ना बबल्स आने शुरू हो गए, ये देखिए ये जो आप बबल्स देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये परफेक्ट टाइम है इसको बंद करने का। इसको बंद कर दीजिए और इसको ठंडा होने दीजिए थोड़ी देर के लिए। और बस अब इसको हम फाइनल टच देते हैं। तो इसमें हम डाल रहे हैं केवड़ा वाटर। अगर आप केवड़ा वाटर ना डालना चाहें तो आप गुलाब वाटर भी डाल सकते हैं, जिसे हम गुलाब जल भी कह सकते हैं, एक टीस्पून भर के डाल दीजिए। और वो भी नहीं डालना चाहें तो इलायची पाउडर तो आपने डाला हुआ ही है। और अगर आप एसेंस का यूज़ करें तो बस कुछ ड्रॉप्स डालिए, क्योंकि एसेंस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो बस ये हमारा बल्कि बिल्कुल तैयार हो गया। चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं और ईद का मज़ा लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और इसको फाइनल टच जो हमने अपने ड्राई फ्रूट्स बचा के रखे थे ना, उससे इसको सजा लेते हैं। देखिए क्या मज़ेदार लग रहा है, इतना बढ़िया और इतना शानदार कि मन कर रहा है इसको अभी खा लो। तो ये आपका हैदराबादी स्टाइल का बहुत बढ़िया शीर कोरमा बन के जो है शाही अंदाज में तैयार हो गया है, और आप ईद के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखिए मन ललचा रहा है ना। और हाँ, अगर आपके पास सिल्वर फॉइल ना, जैसे चांदी के वर्क जिसे कहते हैं, वो आप डाल दें तो फिर सोने पर सुहागा हो जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। और ये एक मेरे पास चेरी थी, वो मैंने बीच में लगा दी है कलर के लिए। देखिए कितना कलरफुल और सुंदर लगने लगा है ना। तो बस ये हमारी ये बन के बिल्कुल तैयार है। चलिए तो अब जल्दी से इस रेसिपी को फटाफट बना लेते हैं किचन में जाकर, और रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली को टेस्ट भी करवा देते हैं, और अगर उनको पसंद आ गई है तो उनके साथ शेयर भी कर लेते हैं। और अगर आपको भी पसंद आ गई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिले।